आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे समाज में लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जो कि एक आम सी बात है। लेकिन हमारे समाज में कुछ समलैंगिक लोग भी होते हैं। इसको आसान भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो लोग सामान्य लिंग से ही आकर्षित होने लगते हैं, जैसे किसी भी पुरुष का पुरुष से ही आकर्षित होना और किसी भी स्त्री का स्त्री से ही आकर्षित होना है। लेकिन इन सब के साथ ही इनकी आड़ में अपराध भी होते हैं। जी हाँ, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। चलिए इस मामले को जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दरबार। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार सेक्टर 6 में अनिल रस्तोगी का परिवार रहता है और उनका बेटा यश, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वे LLB का छात्र है। परिजनों के अनुसार यश 26 जून की शाम 4 बजे स्कूटी लेकर घर से निकला था, लेकिन देर रात होने पर भी वह घर वापस नहीं लौटा, जिससे परिजन बेहद चिंतित हो गए और इसकी सूचना मेडिकल थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने यश की तलाश शुरू की। और इसके बाद पुलिस ने जब मोबाइल की लोकेशन निकाली तो यश की आखिरी लोकेशन मेरठ के तिसाड़ी गेट क्षेत्र की निकली, जिसके बाद कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने अलीशान, सलमान और शावेज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि यह मामला समलैंगिक गैंग से जुड़ा है। इतना ही नहीं, पूछताछ के बाद ये भी पता चला कि आरोपियों ने मृतक से अप्राकृतिक संबंध भी बनाए और इस बात को उन्होंने कबूल भी लिया है। और यश ने इन लड़कों का एक वीडियो भी बना रखा था, जिससे वह लगातार उनको ब्लैकमेल कर रहा था। इसी के चलते तीनों युवकों ने पैसे देने के लिए यश को तिलाड़ी गेट क्षेत्र बुलाया था, लेकिन उसके बाद यश के साथ उनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद शावेज ने अपने एक साथी अलीशान के साथ मिलकर यश की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के बाद सलमान को बुलाया। फिर इन्होंने शव को एक बोरे में डालकर पीलोखेड़ी पुल के पास नाले में फेंक दिया। वहीं तीनों युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने नाले के अंदर से तलाशी के बाद मृतक के शव को बरामद कर लिया। गौरतलब है कि एक तरफ देखा जाए तो यश की भी गलती थी, क्योंकि वह किसी की भी निजी जिंदगी का वीडियो बना रहा था और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन जब सरकार द्वारा हर तरह के कानून बनाए गए हैं, तो संवैधानिक दोस्तों को भी कानून अपने हाथ में लेने की बजाय पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। फिलहाल उन तीनों ने कानून को अपने हाथ में लिया और यश की हत्या कर दी, जो कि एक अपराध है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में तो बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।